नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बकेट इन्वर्टर का पावर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसका फॉर्मूला है हाउ टू कैलकुलेट बकेट एलिवेटर पावर। जी हाँ दोस्तों, पावर का फॉर्मूला है तो पी इजिकल्स टू, जो कि किलोवाट में होगा, पी इजिकल्स टू के इंटू सी इंटू एच डिवाइड बाई 367। यहाँ पे के जो होगा कोफिशेंट ऑफ मटेरियल, जो कि वेरी करेगा 1.2 to 2.0 बिकॉज ऑफ नोड्यूलर मटेरियल, नोड्यूलर मटेरियल। सी जो होगा कन्वेइंग कैपेसिटी होगी, जो कि टन पर आवर्स में होगी, और एच जो होगी वो हाइट ऑफ दी बकेट एलिवेटर, बकेट एलिवेटर जो कि इन मीटर में होगी। याद रहे दोस्तों, हाइट जो होगी वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हाइट कैलकुलेट की जाएगी। दोस्तों, अब बकेट एलिवेटर का पावर विद एग्जांपल निकालते हैं। हमारे पास एक टेक्निकल चार्ट है, उसके अंदर हमारा फॉर्मूला है सी इजिकल टू पी इजिकल्स टू के इंटू सी इंटू एच डिवाइड बाई 367। आपके सामने टेक्निकल चार्ट में लिखा है के इज इक्वल टू कोफिशियंट। अब हमारे पास यहाँ पे मटेरियल जो है फ्लायर्स है, उसका कोफिशियंट होता है 1.4। सी कन्वेइंग कैपेसिटी आपके पास में दे रखी हुई है वो 200 टन पर आवर है। एच जो हाइट दे रखी हुई है वो 40 मीटर 150 है। हम उसे एमएम में को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 14.15 आएगा। उसको डिवाइड करेंगे 367 और इसी के साथ आपको पावर कंजप्शन मिलेगा 30 किलो वाट।